सकता हूँ। कोई ड्राइवर कभी जानबूझ के कुछ नहीं करता, चींटी भी नहीं बिल्ली भी नहीं मारता। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसने कानून का वाहन चालक काफी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुना में बस ड्राइवरों ने नए साल का पहला दिन काला दिवस के रूप में मनाया है और वाहन दुर्घटना अधिनियम में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। ये विरोध पूरे भारत में चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश पूरे केंद्र सरकार जब हमारा लाइसेंस बना कर देती है, हैवी वेयर सब कुछ करके दे रही है, हम उस आधार पर पूरे कागज बनवाकर गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ टैक्स जमा कर रहा है, पेट्रोल जमा कर रहा है, सब चीज जमा कर रहा है, फिर भी आप बताओ एक्सीडेंट पे आप 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना बना रहे हैं, तो बता हम कहाँ से लाके देंगे? 5,000 हमारी सैलरी है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप बताएंगे मकानों में रह रहे हैं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? लाइसेंस भी फाड़ दिए हमने, क्या करेंगे ऐसे लाइसेंस का? जब हमें सजा हो रही है तो हमें ऐसे लाइसेंस का क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे हम जी? गाड़ियों के पहिए खोल के रख दिए, क्या करेगा ड्राइवर? कोई नहीं कर सकता, नहीं चलेंगी गाड़ियाँ, हम बोले चलेंगी गाड़ियाँ, ड्राइवर सब हट चुके हैं गाड़ियों से, गाड़ी सब खड़ी कर रही है, कम से कम 150 से 200 बसें जाती है, हर जगह जाती थी, पूरी होटल बंद कर दी है, बसें कोई नहीं चलाएगा, बसें सब। रुठियाई कस्बे से गुजरे नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी बसों के पहिए रुक गए और सैकड़ों बसों के आवागमन पर रोक लग गई। नए कानून से गुस्साए चालकों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी फाड़कर फेंक दिया और वाहन चलाने से मना कर दिया। बताओ। आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवरों की सजा को और कड़ा किया जा रहा है, जिसमें दोष साबित होने के बाद 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। फिलहाल इस नए कानून का देश भर में विरोध किया जा रहा है। बस और ट्रक चालक सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे खाने पीने व अन्य जरूरी चीजों के भी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। गुना से पंजाब केसरी टीवी के लिए मिसबाह नूर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।